हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद की तरफ से यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट का नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट के लिए जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट का नोटिस दिया गया है, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को इसी के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले जो जो यहाँ पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पर सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है 5 वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है 15 वैकेंसी, उसके बाद सीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है 9 वैकेंसी, उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए 2, उसके बाद सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए 1 वैकेंसी, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, एसएएस असिस्टेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है 29 वैकेंसी, उसके बाद टेक्नीशियन के लिए 30 वैकेंसी, उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो है 15 वैकेंसी रखा गया है। तो इसी तरह से यहाँ पर टोटल 106 वैकेंसी रखा गया है। तो अगर मैं इसके क्वालिफिकेशन और एज के बारे में बात करूँ तो सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर जो एज दिया गया है वो 30 ईयर मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया कि आप लोग को फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना होगा, और अगर आपका मास्टर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को कंप्यूटर नॉलेज भी होना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट है वो है आप लोगों के लिए यहाँ पर जो पोस्ट दिया गया जूनियर असिस्टेंट, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग का एज बोला गया कि मैक्सिमम एज 27 ईयर रखा गया है। इसके लिए आप लोग को HS पास होना होगा, मतलब 10+2, और उसके साथ आप लोग को मिनिमम टाइपिंग स्ट्रीम 30 वर्ड पर मिनट होना होगा। दोस्तों, इसके लिए भी यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। तो उसके बाद सीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो दिया गया है मैक्सिमम एज 33 ईयर, इसके लिए आप लोग को क्वालिफिकेशन 10+2 होना होगा, इसके साथ आप लोग को मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को प्रोफिशिएंसी होना होगा कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्पेयर सीट के ऊपर। तो उसके बाद जो पोस्ट दिया गया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर दिया गया है स्टेनोग्राफर के लिए, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग को एज दिया गया है मैक्सिमम एज 27 ईयर। इसके लिए आप लोग का क्वालिफिकेशन 10+2 होना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्स और यूनिवर्सिटी से, और आप लोग का मिनिमम स्पीड यहाँ पर शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट होना होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट दिया गया है वो है सीनियर स्टेनोग्राफर, तो इसके लिए आप लोग को दिया गया है वो है 33 ईयर मैक्सिमम एज, और आप लोग का क्वालिफिकेशन 10+2 होना होगा, इसके साथ आप लोग को शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड पर मिनट होना होगा। तो उसके बाद टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है आप लोग का मैक्सिमम एज 30 ईयर रखा गया है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन BE/BTECH और MCA, और यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड दिया गया है, तो उन ट्रेडों में आप लोग को यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना होगा। दोस्तों, इसको आप लोग को देख लेना होगा। अगर मैं इसके बारे में बात करना शुरू करूँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसको आप लोग को प्लीज़ देख लेना होगा। तो उसके बाद और अगर आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग के ऊपर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका मास्टर डिग्री है इन साइंस के ऊपर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को मिनिमम 50% मार्क्स होना होगा। दोस्तों, बैचलर डिग्री में भी आप लोग को जो है यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में होना होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है वो है जूनियर इंजीनियर SAS असिस्टेंट लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम 30 ईयर रखा गया है। इसके लिए आप लोग का क्वालिफिकेशन होना होगा जूनियर असिस्टेंट के, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट क्लास BE/BTECH आप लोग को होना होगा इन सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, और अगर आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद SAS असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना होगा इन फिजिक्स एजुकेशन के ऊपर, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड इन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा म्यूजिक, ये सब कुछ आप लोग का होना होगा। तो उसके बाद लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना होगा इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर, और आप लोग को यहाँ पर जो है, और अगर आपका इंस्टीट्यूट एंड बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पर आप लोग का एज 27 ईयर रखा गया है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दिए गए यहाँ पर आप लोग को 10+2 होना होगा इन साइंस स्ट्रीम के ऊपर, और उसके साथ आप लोग को एटलीस्ट 60% मार्क्स भी होना होगा। अगर आपका 10+2 है और उसके साथ आप लोग को जो है पर ITI है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका 10+ अगर आपका सेकेंडरी है उसके साथ आप लोग को जो है ITI है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा डेट दिया गया है, इन सब ट्रेडों में आप लोग को जो है पर क्वालिफिकेशन होना होगा।
तो उसको सीनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर आप लोग का एज दिया गया है मैक्सिमम 33 ईयर। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन दिया गया, आप लोग को 10+2 होना होगा साइंस स्ट्रीम में, इसके साथ आप लोग को 60% मार्क्स भी होना होगा। और अगर आपका 10+2 है उसके साथ आप लोग को 50% मार्क्स है और ITI कोर्स है 1 ईयर का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका सेकेंडरी है उसके साथ आप लोग को 60% मार्क्स है एंड ITI कोर्स है 2 ईयर का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका डिप्लोमा है इन इंजीनियरिंग के ऊपर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इस टेक्नीशियन के ऊपर यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट दिया गया है, इन सब पोस्टों में आप लोगों को यहाँ पर से देख लेना होगा। तो उसको सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा पोस्ट दिया गया है, इन सब ट्रेडों में आप लोग को जो है पर क्वालिफिकेशन होना होगा। तो उसको टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड दिया गया है, इन सब ट्रेडों में आप लोग को यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना होगा। दोस्तों इसके लिए आप लोग को जो है पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, इस वेबसाइट पे आके आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा www.mnnit.ac.in। यहाँ पर आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, वो भी 1 नॉट 2019 से लेकर 30 नॉट 2019 के बीच में। दोस्तों इसके लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन फ़ीस भी देना होगा, यहाँ पर एक 500 रुपये की एक एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। यहाँ पर जो जो कैंडिडेट SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट है तो उनको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी, कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।